पर बहुत बहुत स्वागत आप सभी दर्शकों का राष्ट्रीय एकता बल संगठन के माध्यम से। आज मैं आपको लेकर चल रहा हूं, जिस तरह से हिमाचल प्रदेश के बहुत सारे गांवों में इस तरह के मुद्दे, इस तरह की समस्याएं कॉमन आपको दिखेंगी और लोग कई बार इतने परेशान हो जाते हैं कि कोई सुनता नहीं है। और कोई एक व्यक्ति होता है, चाहे वो किसी न किसी रूप से इस तरह के मुद्दों में शामिल हो जाता है और उसके शामिल होने से पूरे गांव के अंदर एक परेशानी का सबब बन जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि राष्ट्रीय एकता बल के माध्यम से हमारे जो रेबल्स हैं अब एक एनजीओ के रूप में काम करते हुए इस तरह के मुद्दों पे काम कर रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर एक जो टेक्निकल सलाह है वो बड़ी ज़रूरी है और विभागों के पास भी इस तरह के मुद्दे एक सही तरीके से पहुँचें ताकि जो ये गलतियाँ कहीं ना कहीं होती हैं या लापरवाहियाँ होती हैं उनसे बचा जा सके। और आज राष्ट्रीय एकता बल के माध्यम से इस समस्या को मैं रखना चाहता हूं। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं, हम जहां पर खड़े हैं, जंगल गांव, रोपा गांव और बगाटी गांव, इनकी एक पंचायत है। उस पंचायत में लगे एक हैंडपंप का मुद्दा है ये। और इस हैंडपंप पे लगभग डेढ़ दो महीने पहले एक मोटर जो है वो किसी व्यक्ति द्वारा लगवाई गई है। अब इसको पर्टिकुलर मैं नहीं कहूँगा कि विभाग ने कैसे लगाई नहीं लगाई, ये विषय बाद के हैं, लेकिन मैं पहले आपको दिखाना चाहूँगा कि ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर मेरे सहयोगी साथ में आएंगे और मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर ये देखिए, एक समर से एक हैंडपंप लगा हुआ था और गांव के लोगों का ये कहना है कि ये हैंडपंप जो था वो लगभग 20 साल पहले यहाँ पर लगाया गया था। और ये जो हैंडपंप लगाए गए थे, बेसिकली ये उस समय इसलिए लगाए गए थे कि पूरे गांव के लोगों को जब बरसातों में पानी की समस्या हो जाती है, क्योंकि बरसातें की वजह से खड़ें गंदी हो जाती हैं, तो आईपी जल शक्ति विभाग की स्कीमें भी गंदी हो जाती हैं, तो ऐसे समय में ये हैंडपंप बहुत काम करते थे। क्योंकि मैं भी गांव से संबंध करता हूं, मुझे पता है कि ये हैंडपंप क्या यूज़ देते थे। हम लोग जब काम के लिए जाते थे, अपने फसलों के लिए जाते थे या ज़मीनों के लिए जाते थे, तो पानी लेने का सबसे बढ़िया सोर्स हमारे को यही होता था। तो अब ये जो हैंडपंप है इसके ऊपर एक समरसेबल मोटर लगाकर जो है, ये तार आप देख रहे हैं, ये तार जो है वो अब किसके घर पे गई है मैं व्यक्तिगत उनका नाम नहीं जानता, गांव के लोगों से बात की जाएगी किसके घर में लगी है। और ये तार जब उनके घर में जा रही है तो ये जो समरसेबल लगाया है ये किसने लगाया है, क्यों लगाया है, इससे विभाग से पूछा जाएगा, विभाग से इस पर बात की जाएगी। और मैं लाइव के बीच में ही जय साहब को भी यहाँ कॉल करूंगा और उनसे हम इस पर चर्चा भी करेंगे। लेकिन मैं आपको पहले राष्ट्रीय एकता बल की टीम से मिलाना चाहता हूँ, जो एक रेबल्स के रूप में बहुत ही सराहनीय कार्य और एक समाज की उत्कृष्टता के लिए, समाज की जागरूकता के लिए काम कर रहे हैं। पहले उनसे आपको मैं मिला देता हूं, फिर इस गांव का इशू हम आपके बीच में रखेंगे और इस इशू को हम पूर्ण तरीके से कोशिश करेंगे लेके आएंगे। आप इन लोगों को पहचान जरूर लीजिए, क्योंकि ये लोग आने वाले समय में आपको इसी तरह की चीज़ों में मिलना शुरू हो जाएंगे। मैं यहाँ से शुरुआत कराऊँगा, यहाँ से हमारे जो बड़े सम्माननीय जो व्यक्ति हैं त्रिलोकनाथ गर्ग जी, मैं इनका सबसे पहले परिचय इसलिए कराता हूँ क्योंकि हम सब में यंग यही हैं, और क्योंकि यंग है तो सबसे शुरुआत में यहाँ से करता हूँ। और ये पीडब्ल्यूडी से रिटायर्ड हैं, बिंगे एसडीओ, ये ब्लॉक में भी रहे हैं, पंचायतों का भी इनको नॉलेज है और बहुत अच्छा टेक्निकल तरीके से ये एनालिसिस करते हैं। काफ़ी लंबे समय नौकरी की है हिमाचल प्रदेश सरकार के अंतर्गत। हमारे बीच में इस तरह से आर्मी से रिटायर्ड हैं, हमारे बीच में अपना ब्रह्मदास जी, और हमारे बीच में राजकुमार जी एक मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से बिंगे इंस्पेक्टर रिटायर्ड हैं। ऐसे हमारे बीच में अमरनाथ जी हैं, ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से रेंज ऑफिसर के रूप में रिटायर्ड हैं। ऐसे ही हमारे पास हिमाचल पुलिस के जवान यहाँ पर बींगे एसआई और एसएचओ भी रह चुके हैं, ये भी रिटायर्ड हो चुके हैं और अब रिटायर होने के बाद ये सेवाएं अब समाज के लिए देने का इन्होंने संकल्प लिया है। ऐसे ही हमारे बीच में हमारी बहन इंदू हैं, जो कि बहुत ही जागरूक महिला हैं, एक समाज को एक बड़ी मैसेज इनसे मिल सकती है कि ये राष्ट्रीय एकता बल के इकलौती भी रेबल्स के रूप में काम कर रही हैं और बहुत डेडिकेटली 24/7 कभी भी जरूरत पड़ती है ये आने के लिए तैयार हो जाती हैं। तो पहले मैं चाहूँगा इन महिला के लिए सब लोग क्लैपिंग कर दें, क्योंकि हमारी बहन जब इतना मोटिवेशनली काम कर रही है तो बाकी महिलाओं को भी एक मैसेज देना चाहिए। और हमारे यहाँ पर कैप्टन नरेश जी हैं, जो कि आर्मी से रिटायर्ड है, कैप्टन मैंने बताई दिया। और कैमरे के पीछे हमारे भाई सुशील जी हैं, तो अभी कैमरे के पीछे हैं, तो जल्दी ही इनको भी कैमरे पे दिखाया जाएगा। तो चलिए जी, इनका परिचय होने के बाद में अब हम बात करते हैं इस हैंडपंप के मुद्दे पर। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जो गांव के लोग हैं, ये जितने भी लोग यहाँ खड़े हुए हैं, मैं आप लोगों की सिर्फ हाँ या ना में पहले बात कराऊंगा कि ये जो समरसेबल यहाँ पर लगाया गया है, इस समरसेबल को यहाँ पर हटाने के लिए कितने लोग चाहते हैं कि हट जाए, वो अपना हाथ खड़ा कर देते हैं। सारे जी, कोई नहीं बोलना, नहीं सिर्फ आप घुमाएं जी कैमरा। यहाँ पर सभी व्यक्ति जो हैं वो एक आध व्यक्ति हैं जो कैमरे पे शायद नहीं आ रहे हैं, अदरवाइज तो बाकी सभी लोग यहाँ पर चाहते हैं कि ये समरसेबल यहाँ से हटाया जाए। अब बात आती थोड़ी नियमों की, अब बात हम नियमों पे आ जाते हैं और एक बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है सर,
राष्ट्रीय एकता बल के माध्यम से इस मुद्दे को मैं एडमिनिस्ट्रेशन के सामने रखना चाहता हूं, एक्शन हमीरपुर आईपीएच उनके सामने रखना चाहता हूं, जेई जो आपके यहां पर हैं मेरे ख्याल से रवि शर्मा जी हैं उनके सामने भी रखना चाहता हूं कि साहब इस तरह की चीज़ों, इस तरह की गलतियों से, इस तरह की लापरवाही से डिपार्टमेंट को बचना चाहिए। क्योंकि अगर आपको कोई इस तरह का काम करना भी है तो आप पूरे गांव को फेवर में लीजिए, यहाँ के वार्ड पंच हैं, प्रधान हैं या जो भी लोग हैं उनको फेवर में लीजिए, उसके बाद पूरे गांव को अगर उसका फायदा मिल रहा है तो करिए, कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन इंडिविजुअल अगर किसी परिवार को फायदा हो रहा है और बाकी लोगों को उसका नुकसान हो रहा है तो आपको इस तरह की गलतियों से बचना चाहिए, मेरा ये सुझाव है आपको, बाकी आपकी मर्जी है। अब हम आते हैं जी, यहाँ पर कुछ लोग पहले खड़े हैं, इनसे बात करते हैं शॉर्ट में, अभी अपनी बात रखें क्योंकि मैंने बात तो बता ही दी है। ये हमारे बीच में प्रदीप जी हैं, प्रदीप जी आप थोड़ा आगे आए और आप बताएं कि अब आपका जो समस्या है वो क्या है। समस्या सर ये है कि ये जो हैंडपंप है ये है सार्वजनिक जी, और इसको अभी एट प्रेजेंट जो है वो पर्सनल तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है और गिने चुने परिवार इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, एक या दो तीन परिवार, इससे ज़्यादा नहीं। बाकी गाँव के जितने भी निवासी हैं उनको पीने के पानी की किल्लत है और उनको दूर जाना पड़ रहा है पीने का पानी पीने के लिए। दूसरी बात कि बरसातों में जो है वो पानी दूषित हो जाता है, तो हैंडपंप का पानी जो है वो बहुत अच्छा माना जाता है जी इस बात में, तो वो पानी अभी आगे जो है गर्मियों में पानी की खपत ज़्यादा होती है, हमको पानी लेने के लिए ऊपर गांव तक जाना पड़ रहा है, गांव के हैंडपंप तक जाना पड़ रहा है, दूर जाना पड़ रहा है। तीसरी बात कि शमशान भी यहाँ पे पास में ही है, शमशान के लिए भी अगर कोई जाता है तो आते जाते व्यक्ति यहाँ पे अपनी प्यास बुझाते हैं, पानी भी वहाँ पे लेके जाते हैं उसके लिए भी, तो ये एक ऐसा पॉइंट है। सबसे जो मेन पॉइंट ये है कि पब्लिक प्रॉपर्टी है ये, जो शिकायत है वो कितने दिन पहले आपने विभाग को दी? हमने लगभग 1.5 महीने पहले दे दिए जी। अच्छा, जब ये हैंडपंप लगा उसी टाइम दे दी? ये हैंडपंप लगने के कोई 4 या 5, हमने उससे 911 पे होती है शायद शिकायत करने का, 1100 नंबर पे है, हमने वहाँ पे किया है, वहाँ से हमको सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिला कुछ भी, तो हमने फिर पंचों को लिया, तीनों पंचों को, प्रधान साहब को लिया और हमने जो है वो जल विभाग के मैं जाके और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब को जो है वो हमने अपना ज्ञापन सौंपा जी। वहाँ पे उन्होंने जेई को भी बुलाया, जेई को बुला के उन्होंने पूछा कि भाई ये कैसे लग गया, तो जेई के बोलने के हिसाब से तो यूँ लग रहा था कि ये शायद हट जाएगा, गलती हो गई है उससे, कुछ व्यक्तियों के कहने पे ही उसने लगा दिया है और पूरी व्यक्तियों को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जी। लेकिन आज 1.5 महीना हो गया पूरा इस बात को और अभी तक वहाँ से कोई एक्शन नहीं हुआ, हम उनको रिपीटेड कॉल कर रहे हैं, अभी तो मेरी कॉल ही उठाना बंद कर दी है जी, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब ने तो मेरी कॉल ही उठाना बंद कर दी है जी। तो ये मामला है सर, इसको हम चाहते हैं कि आपकी संस्था के थ्रू ये हाईलाइट हो और इसका प्रॉपर सॉल्यूशन मिले जी। धन्यवाद सर। यहाँ पर राष्ट्रीय एकता बल के माध्यम से अब इस मुद्दे को सामने लाया गया है और अगर ये हैंडपंप या मोटर जो भी लगाई गई है अगर वो नियमों के अधीन लगाई गई है, नियमों के अंतर्गत लगाई गई है तो उसका भी डिपार्टमेंट जवाब दे, और नियमों के विरुद्ध लगाई गई है तो डिपार्टमेंट को इसका भी जवाब देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर हमारे बीच में वार्ड पंच हैं दोनों ब्लॉक के, दोनों ही वार्ड के, हम उनको भी थोड़ा सा बीच में लेकर आते हैं कि क्या इस मोटर को लगाने के लिए कोई सहमति दर्ज कराई गई थी, किन किन लोगों की कराई गई थी, क्योंकि देखिए अगर मान लीजिए वो 100 परिवारों के लिए कोई चीज़ है, चाहे उसमें पानी भरते हैं चाहे नहीं भरते हैं वो मैटर नहीं है, मैटर ये है कि अगर 100 परिवारों के नाम की कोई चीज़ लगी हुई है तो उसको कोई 1, 2, 3 परिवारों के लिए इस्तेमाल करने के पीछे वजह बताएगा, कोई कारण होगा तभी करेगा। तो चलिए पहले बाढ़ पंच, यहाँ पर आप जंगल की हैं या कहाँ की है? बगाड़ी की हैं आप। तो मैडम जी आप अपना नाम बताइए और ये बताइए कि ये जो हैंडपंप के अंदर मोटर लगाई गई है क्या इससे आपका कोई परिचय हुआ है या आपको पूछा गया था या किस तरह से? नहीं सर, हमें नहीं पूछा गया, पर हमारे प्रधान से हुई थी बात। अच्छा, तो पता नहीं इन्होंने थोड़ा सा कईयों के सिग्नेचर लिए थे 5-7 घरों से, प्रधान भी इन्वॉल्व थे उसमें साइन कराने में। हाँ जी, उन्होंने एक्शन साहब से बोल दिया था कि सर मुझे नहीं पता कितनी पब्लिक पानी भरती है, कहने इतनी दिक्कत है तो ऐसे करो आप वैसे के वैसे रहने दो। ओके, तो आप लोगों को जब कोई कंसर्न दिया नहीं लिया गया था तो आपके बाढ़ के लोग हैं जिन्होंने इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, आपकी बात हुई उनसे, कोई पूछा आपने कि ये इस तरह से हुआ है तो लोगों को दिक्कत हो रही, तो उन्होंने कुछ बोला हो आपको, बात हुई हो? नहीं सर, वो बोल रहे हैं कि मोटर हम ऊपर रखेंगे और वहीं से हम भरने देंगे सभी अपने घर में रखेंगे। हाँ जी, अपने घर। अच्छा चलो, वो तो इशू ही नहीं है। देखिए ये इशू नहीं है कि आप अपने घर में रखेंगे, ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, अपने घर में रखने नहीं रखने का कोई कारण नहीं बनता। आपके घर में कोई नहीं जाएगा मोटर चलाने के लिए और वहां से बोलेंगे कि ये बोतल पानी भरनी है हमने, ये पब्लिकली है तो पब्लिकली है। देखिए ये मुद्दा बहुत शोर शराबे में भी कवर हो सकता था, लेकिन इस मुद्दे को हम बिना शोर शराबे के डिपार्टमेंट के बीच में रख रहे हैं और मुझे लगता है कि जेई साहब को मुझे इस पे कॉल पे एक बार लेना पड़ेगा, तो मैं चाहूंगा कि मैं जेई साहब को इस पे कॉल पे एक बार ले लेता हूं और साथ में जेई साहब को मैं इस पे बात करता हूं। तो आपके सामने मैं जेई साहब को लाइन पे लूंगा, हो सकता है वो लाइव भी हमें देख रहे हो, लेकिन फिर भी मैं यहां से जेई साहब का नंबर डायल करके उनको लाइन पे लेता हूं, उनका क्या पक्ष इस पे है और अगर वो
इस पक्ष को लेकर बोलते हैं तो आगे क्या बोलते हैं, लीजिए जी, मैं उनका कॉल जो है यहाँ पर मिला दिया है और पब्लिकली मैं इसको सामने रखूंगा सबके। ये नंबर मैं हाइड कर रहा हूं थोड़ा सा। नमस्कार रवि जी, क्या हाल चाल है सर? अच्छा, आज छुट्टी पे होंगे? सॉरी आपको डिस्टर्ब कर दिया आज मैंने, पर मुद्दा ही बड़ा इम्पोर्टेंट। नहीं, वो तो उसका इशू बाद में करेंगे, अभी हम खड़े हैं एक मुद्दे पे। आपके नाल बगाटी रोपा जंगल के बीच में एक हैंडपंप के ऊपर मोटर लगा दी गई है, तो उस मोटर को लेकर पूरे ग्रामीण इकट्ठे हुए हैं और आप लोगों के पास शिकायत भी दिया हुआ है कि इसको शॉर्ट आउट करें, लेकिन 1.5 महीने से भी शॉर्ट आउट हुआ नहीं, तो क्या बताएंगे आप, क्या रीजन रहा? हो गया सर शॉर्ट आउट जी। अच्छा, कब तक शॉर्ट आउट हो जाएगा? सुबह जी। मैं मौके पे ही खड़ा हूँ अभी। नहीं, मॉर्निंग में हमें आगे ऊपर देना जी, अब आदेश आगे उठा कोई ना। अच्छा, तो कल ये मोटर हट जाएगी यहाँ से? बिल्कुल बिल्कुल 100% जी। चलिए जी, बहुत धन्यवाद आपका जी। ओके सर, नमस्कार जी। तो चलिए जी, जेई साहब ने आपके बीच में लाइव रिकॉर्डिंग में बोल दिया है कि सर कल इस मुद्दे को हम शॉर्ट आउट कर देंगे और कल जो है मोटर हटा दी जाएगी। मैं फिर भी एक्शन साहब आपसे और जेई साहब ये कहना चाहूंगा कि देखिए, इस तरह के मुद्दों में ना उलझे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि देखिए हमें मतलब नहीं है पॉलिटिक्स से, हमें मतलब नहीं है उस आदमी से जो पॉलिटिकली या कहीं किसी तरह का दबाव रखता है। राष्ट्रीय एकता बल एक ऐसी संस्था है जो एक आम आदमी के लिए काम करती है और बिना किसी राजनीति के करती है, और इस तरह के जो हमारे पास तजुर्बेकार लोग हैं या जितने भी ग्रामीण लोग हैं, ये तो एक एग्जाम्पल है आप लोगों के पास में कि अगर लोग संगठित हो जाएं तो कुछ भी हो सकता है। तो लोग संगठित होते हैं तो ये समस्याओं का समाधान ज्यादा होता है, मीडिया इसमें कुछ भी नहीं कर सकता है, लेकिन राष्ट्रीय एकता बल और लोग मिलकर इस तरह की समस्याओं का बहुत शांतिपूर्वक तरीके से समाधान कर सकते हैं। विभाग अगर कल इस मुद्दे को शॉर्ट आउट कर देता है तो विभाग का भी धन्यवाद किया जाएगा और उनको भी हर चीज के लिए, जो हम कभी दोष नहीं देना चाहते, हम भी चाहते हैं कि विभाग से भी गलतियां हो जाती हैं, उन गलतियों को सुधार करें, और जिनके घर में ये मोटर लगी हुई है, हम उनसे भी कोई लड़ाई या किस तरह का हमारा कोई भेद द्वेष नहीं है, हम उनसे भी ये कहना चाहेंगे कि अगर आप लोगों को कहीं कोई दिक्कत है तो आप सरकार से मिलिए, प्रतिनिधियों से मिलिए, अपना एक अलग सबमर्सिबल लगवा लीजिए, अपने घर में लगवा लीजिए। आजकल सरकार स्कीम में भी देती है बहुत सारी, 10-12 कनाल जमीन आपकी तो लगा सकते हैं, या फिर अपने घर में भी लगाया जा सकता है, ये मेरा सुझाव है। गांव के लोग आपके अपने हैं और गांव के लोगों के साथ में आप मिलकर चलेंगे तो समाज को एक अच्छा मैसेज मिलेगा। तो और यहां पर हमारे वार्ड पंच से बात होगी, जेई साहब ने बात हुई थी, मुझे लगता है इससे ज्यादा कोई टॉपिक पर चर्चा करनी नहीं चाहिए, लेकिन राष्ट्रीय एकता बल के माध्यम से आप सब लोगों ने विश्वास किया इस मुद्दे को रखने का, इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। और आगे भी हम लोगों से ये कहना चाहेंगे कि राष्ट्रीय एकता बल एक ऐसी संस्था है जो किसी एक व्यक्ति की नहीं है, हम सब की है, हम सब लोगों को इस संस्था के साथ जुड़ना चाहिए और अन्याय और भ्रष्टाचार के खिलाफ जहां भी हमें जरूरत पड़ती है, हमारे साथ होता है या किसी और के साथ होता है, तो हम मिलकर एक दूसरे का साथ देंगे। आज आप किसी के साथ खड़े होंगे, कल आपके साथ कोई खड़ा होगा, ये हमारा सौहार्द है और यही हमारे संस्कार है। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे रेबल्स टीम का, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग यहां पर आए और आप सब लोगों ने यहां पर इस मुद्दे को लेकर हम लोगों को मोटिवेशन दिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमारी महिलाओं का, हमारी बहनों का, हमारी माताओं का, सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग जो हैं वो इस मुद्दे को लेकर आए। बाड़पन साहब का धन्यवाद, तो इसी तरह से जेई साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद और एक्शन आईपीएच हमीरपुर उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने ऑर्डर कर दिए अब, और जेई साहब ने जैसे बताया है कल ये मुद्दा शॉर्ट आउट हो जाएगा। दोबारा मिलेंगे जी, थैंक यू वेरी मच, जय श्री राम।